स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी MIUI 13.5 अपडेट के बारे में, बहुत जल्दी आने वाला है, किसको देखने को मिलेगा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे MIUI 13 के यहाँ पे फीचर्स बाहर निकल के आ चुके हैं जी हाँ, क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है जी हाँ। वैसे तो इंडिया के अंदर अभी MIUI 13 का अपडेट बहुत सारे ऐसे डिवाइस जिनको नहीं देखने को मिला, और जिनको मिल चुका वो तो 13.5 का वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवाइस जिनको 13.5 का अपडेट नहीं मिला। क्या करें, नहीं दे रहे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे MIUI 13 के फीचर्स निकल के आ चुके हैं, वो सब कुछ बताऊंगा क्या कुछ फीचर होने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली। तो सबसे पहले फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलेगा कैमरा एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस जी हां MIUI 13.5 में। अब जैसे देखते हैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहां पे आप देखते हैं 2x एंड 0.6x इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। लेकिन देखते हैं पुराने वाले के अंदर जो हमारा नॉर्मल है वहां पे देखते हैं आपको डॉट डॉट शो करता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट शो करता है आप 2x पे आप जा रहे हैं या 0.6x पे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको स्लाइड करता हूं, स्लाइड करने पे देखते हैं डायरेक्ट ये स्लाइडर आ चुका है, और इसके अंदर क्या होगा स्लाइडर नहीं आएगा यहां पे 2x 3x ये ऊपर की साइड देखने को मिलता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर नीचे की साइड देखने को मिलता है ये 0.2x। ठीक है, तो ये चीजें इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी किक हो चुकी है मतलब यहां पे, और यहां पे आप देखेंगे कैमरा एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट वीडियो डायरेक्ट आप सारे फीचर को यहां पे क्विक एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर देख लेते हैं यहां पे हमें वो प्राइवेसी वाटरमार्क का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, और इसको इस प्रकार से क्लिक वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कैमरा एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेंज देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसके फॉन्ट वगैरह थोड़ा चेंज देखने को मिलेंगे, और 1x2s इसका थोड़ा बहुत लेआउट यहाँ पे चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात यह तो वो 13.5 में आपको फाइल मैनेजर या आपके सेटिंग पैनल में देखने को मिलेगी जी हाँ, कई चीजें यहाँ पे क्विक वगैरह हो जाएगी मतलब 100 मोड में आप यूज कर पाओगे। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने इसको प्रेस एंड होल्ड किया, इसको मैंने डिलीट बटन पर टैप किया, तो ये देखते हैं पूरा पूरा सेंटर मुझे शो कर रहा है। ठीक है, अभी इस फाइल मैनेजर के अंदर दिखाता हूं आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है। मान लीजिए इस फोटो को हम डिलीट करते हैं तो ये सारी चीजें आपको नीचे की साइड देखने को मिलती है, लेकिन मतलब 100 इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते, नीचे की ओर आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर आप देखते हैं इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, हर एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे सेटिंग पैनल के अंदर MIUI 13.5 के अंदर सेंटर में ही देखने को मिलेगा, जिसे आप 100 मोड में यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, देखते हैं चूज टाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है, देखते हैं कोई भी फाइल शेयर करेंगे तो ये सारी चीजें आपको सेंटर में देखने को मिलती है। पहले आपको बॉटम साइज में देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहां पे सेंटर में हो जाएगी, जिससे मतलब 100 अपने फोन को यूज कर पाओगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलेगा रिसेंट पैनल के अंदर जी हाँ। अभी इसका रिसेंट पैनल हम ओपन करते हैं तो देखते हैं कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलता है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर भी नहीं होता, जिस तरह से कर सकते हैं ब्लर जो कि मैंने एक मेथड बताया हुआ कोडिंग वगैरह आपको करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये देखने को मिलता है पीछे का बैकग्राउंड ब्लर, और यहाँ पे देखते हैं कोई भी ऐप एप्लीकेशन उसका शैडो भी आई थिंक ट्रांसपेरेंट टाइप में आपको देखने को मिलता है। अब आएगा जब देखेंगे, वैसे उतना मतलब पता नहीं लग रहा क्या चीज है, लेकिन इस हिसाब से यही पता लग रहा है पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है, और जो भी आप फाइल ओपन करेंगे उसका एक ट्रांसपेरेंट टाइप में शैडो भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो स्क्रीन रिफ्रेश रेट जी हां, इसका अब जो लेआउट है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। अभी आपको दिखाता हूं, अगर आपके फोन के अंदर 90 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन होता है ना, जिस फोनों के अंदर सपोर्ट करता है, जिसकी डिस्प्ले होती है मतलब डिस्प्ले के अंदर दिखाता हूं, इसके अंदर हम डिस्प्ले में गए, यहां पे देखते हैं इसका रिफ्रेश रेट वाला पेज और MIUI 13 में कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी ब्राइटनेस थोड़ी सी लो कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल वगैरह हो पाए, देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको लेआउट देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां पे देखते हैं एक नया मोड ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर आपके मतलब ऑटोमेटिक सेट होता रहेगा, और कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, और स्टैंडर्ड वगैरह कुछ इस टाइप में ये नया लेआउट आपको देखने को मिलेगा जो रिफ्रेश रेट है। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, देखते हैं इसको कंपेयर करें साइड बाय साइड तो देखते हैं कुछ इस टाइप में हमें देखने को मिलता है। एक्सिस की बात किया तो वो आपको देखने को मिलेगा इथरनेट थैरिंग वाला फीचर जी हां, जैसे कि आपने देखा ना हॉटस्पॉट वाले सेक्शन में एक थैरिंग वाले ऑप्शन होते हैं यूएसबी थैरिंग, तो इसी प्रकार से ये फीचर भी ऐड होने वाला है, शेयर फोन इंटरनेट कनेक्शन बाय इथरनेट। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का फीचर है, देखते हैं आएगा तो किस प्रकार से यूज वगैरह होता है, तो ये भी बताया जा रहा है MIUI 13.5 में आपको देखने को मिलेगा।